फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल और एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 9, cosx dx अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेट दिस इंटीग्रल बी इक्वल टू आई। इसे इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। पुट t इक्वल टू साइन एक्स, डी टी बाय डी एक्स विल बी कॉस एक्स, देयरफॉर डी टी इज कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स को आप रिप्लेस कर पाएंगे डी टी से, तो हो जाएगा डी टी अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, विच यू कैन राइट 2 स्क्वायर, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, और साइन की जगह आप लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल आई। तो इसका इंटीग्रल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो फॉर्मूला इसका है साइन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। फॉर्मूला इस तरह से है, डीएक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। द सेम फॉर्मूला शुड बी यूज्ड हियर। ए की जगह 2 है और x की जगह t है, तो ये इंटीग्रेशन हुआ। और आप यहां पर i का वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स t का वैल्यू साइन x बाय 2 प्लस c। और माइंड करिए दिस इज नॉट इक्वल टू, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, आप साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके x बाय 2 प्लस c नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज इनकरेक्ट। अगर ये इस तरह से होता साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स बाय 2, इसमें होल अपॉन 2 है, इसमें एक्स बाय 2 है, तब ये एक्स बाय 2 लिख सकते थे, ये सही है और ये गलत है। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये वाला नहीं लिखना है आपको। योर आंसर विल बी साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो आप इसको देखें, सॉल्व करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे जरूर लिखें।